the internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. your quest of reliable, authentic health information ends here. so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. so we will talk about why a young person, a javan in sanko, tisal, pachisal, patisal, ya koi javani me, हार्ट अटैक क्यों आ जाता है कई लोगों को आजकल आ रहा है कई चीज को कई बार देखने मिल रहा है यंग पीपल विथ नो प्रॉब्लम नो पहले कभी कोई हार्ट की हिस्ट्री नहीं लेकिन एकदम से अटैक आ रहा है तो यंग एज में क्यों क्यों हार्ट अटैक आ रहा है इसका क्या कारण है टॉकिंग अबाउट दैट लेट्स सी तो दोस्तों यंग आदमी को बहुत से इंपॉर्टेंट कारण हैं जो आपको समझने होंगे ऑब्वियसली हार्ट अटैक आना सबसे पहले बेस लाइन एक लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है बहुत ज़रूरी है आपके जीन्स भी आपके आपके जेनेटिक्स कि आपके फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ था या नहीं हुआ था ये भी बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है फैमिली में कोई सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री तो नहीं है यंग एज में एकदम से हार्ट रुक जाने की हिस्ट्री तो नहीं है ऐसी सारी फैमिली हिस्ट्री भी बहुत मायने रखती है अगर आपकी फैमिली में है तो आपको ज्यादा सतर्क रहना है हार्ट अटैक की हिस्ट्री हो या कुछ भी हो सो की इज दैट ऐसे यंग पेशेंट जिनको हार्ट अटैक होता है उनमें सबसे जरूरी एस्पेक्ट जो देखा गया है वो देखा गया है सब्सटेंस अब्यूज़ का सब्सटेंस अब्यूज़ का मतलब है किसी भी प्रकार का नशा वो नशा होता है जो सबसे ज़्यादा रिस्क बढ़ाता है आपका चाहे वो एक्सेसिव अल्कोहल हो ज़्यादा दारू पीना हो ज़्यादा स्मोकिंग करना हो या फिर ड्रग्स गांजा दा जो भी आप स्मैक स्मोक जो भी कह लीजिए किसी भी प्रकार का नशा ज़्यादा मात्रा में लेना यंग उम्र में ज़्यादा लंबे समय से इवन लोग पाँच छः साल हो गए पच्चीस साल की उम्र से लेना शुरू है पैंतीस तीस पैंतीस साल में अटैक आ गया ऐसा भी होता है और कई बार ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो वेजो कंस्ट्रिक्टर होते हैं जो सीधा सीधा खून की नसों को सकड़वा देते हैं तो वो खून की नस ऑलरेडी थोड़ी बहुत ब्लॉकेज होगी और वो सुकड़ जाएगी या सिर्फ पाजम भर से अटैक आ जाता है सो यस, सो ऐसे सब्सटेंस अब्यूज भी देखे गए भांग के नशे से भी ऐसा होता है मैरिजवाना से भी ऐसा होता है राइट right, नार्कोटिक्स से ऐसा होता है सो सब्सटेंस अब्यूज़ सबसे बड़ा कारण है स्मोकिंग अल्कोहल सबसे बड़ा कारण है एक यंग एज में हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा तो सबसे बड़े के बाद जेनेटिक्स के बाद ऑब्वियसली जीन्स तो आपके आपके मेरे हाथ में तो है नहीं जींस जिसकी है जींस भगवान ने जिसको जहां पैदा कर दिया जिस घर में उस घर में अटैक की हिस्ट्री है तो है वो आपके हाथ में नहीं है लेकिन जो आप गलती कर रहे हो वो सबसे बड़ी गलती है सब्सटेंस अब्यूज नशा अब ऐसे में लोग कहेंगे कि सर मैं तो कभी कभार साल में एक बार सिगरेट पीता हूँ या महीने में एक बार ड्रिंक करता हूँ तो क्या मेरे को भी रिस्क है भाई जो नहीं पीता उससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा तो है बट बेसिक चीज़ है जो जितना ज़्यादा पीता है उसको उतना ज़्यादा रिस्क है बेसिक थोड़ा सा तो रिस्क है दैट इज दैट अगर आप कम पीते हो तो भी दूसरा सबसे बड़ा गलत काम आप जो करते हो वो है लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बहुत बड़ी मतलब जो गनगोर अपराध है आफ्टर दिस uh, नशा करना वो है कि भी एक्सरसाइज भी नहीं करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गलती है ये अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो बहुत बड़ा इश्यू है हमने बहुत कॉमनली देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा नशे भी करते हैं और फिज़िकली भी एक्टिव रहते हैं फिर भी हार्ट अटैक नहीं आता या बच जाते हैं खून की नसों में बड़े बड़े ब्लॉकेजेस होते हैं एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज निकलता है लेकिन फिर भी अटैक नहीं आया होता क्योंकि कोलेट्रल्स बन जाते हैं आपका नेचुरल बाईपास बन जाता है जस्ट बिकॉज कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते थे तो लैक ऑफ फ़िज़िकल एक्टिविटी एक बहुत बड़ा रोड़ा है बहुत बड़ा हर्डल है आपके खुद के नेचुरल होम्योस्टैसेज में कि आपकी खून आपका आपकी बॉडी चाहती है कि जहाँ पर भी जहाँ पर भी ब्लॉकेज होगा वहाँ पर आगे ब्लड सप्लाई आ जाएगा अगर आप एक्सरसाइज करते हो अगर आप बस खाते हो, पीते हो, सोते हो तो भाई साहब भगवान ही मालिक है आपका आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा अटैक जैसा या जो भी स्ट्रोक है अटैक है सो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इन द वर्ल्ड फॉर एनी यंगस्टर एनी चाइल्ड फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को कराइए बड़ों को कराइए आपके बच्चे भाई राइट बेटे मतलब कोई भी हो बेटियाँ जो भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं उनको फिजिकल एक्टिविटी कराओ राइट रेगुलर एक दिन करके दो दिन ज़्यादा करके कुछ नहीं होने वाला हफ्ते में सात सात में से पाँच दिन कम से कम ढाई घंटा पूरे हफ्ते में मिला के फ़िजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए वी ऑलरेडी मेड वीडियोज़ ऑन दैट यू कैन वॉच दैट सो so, पहला हो गया सब्सटेंस ऑफ नशा करना दूसरा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फिर आता है आपका पुअर डाइट पुअर डाइट शरीर के बॉडी के वीकनेस को भी एक बड़ा कारण माना गया है आ, फिर आएगा आपका डायबिटीज डायबिटीज़ हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल ये तीन और एस्पेक्ट्स हैं जो नॉर्मली इतने यंग एज में देखने को नहीं मिलते डायबिटीज़ फिर भी कुछ लोगों में होते हैं यंग डायबिटीज़ यंग ओबेसिटी मेन ओबेसिटी आ जाती है जब आप फिजिकली इनएक्टिव हैं पुअर डाइट है पुअर डाइट का मतलब क्या है न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट मतलब प्लस जंक फूड अगर आप बहुत ही ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो उल्टा सीधा जंक ही जंक है रोज़ का पिज़्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक जंक 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 बहुत ही ज़्यादा जंक इट्ठा पेट आ जाता है बेली फैट सेंट्रल ओबेसिटी सेंट्रल ओबेसिटी इज रिलेटेड टू मेनी डिजीजेस, कैंसर्स म्यूटेशंस हार्ट अटैक स्ट्रोक्स फलाना ढमकाना बीमारियाँ सो so, इसीलिए उसको इस तरह से रखा गया है पहला नंबर है ड्रग एब्यूज दूसरा नंबर है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी तीसरा है पुअर बैड डाइट चॉइसेस, जंक फूड फिर चौथे नंबर पे आता है आपका डायबिटीज हाइपरटेंशन कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज़ हाइपरटेंशन कोलेस्ट्रॉल भाई ये तीन होगा तो कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा डायबिटीज़ भी हाइपरटेंशन भी कोलेस्ट्रॉल भी कोलेस्ट्रॉल तो आ ही जाएगा जंक फूड से फिर बीच में ही आपका डायबिटीज कूद पड़ेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस अब और कितना मोटा होंगे और फिर हाई ब्लड प्रेशर आ जाएगा ज़्यादा वजन लेके घूमोगे स्ट्रेस लेके घूमोगे सो ऑल दीज थिंग्स समवेयर आर कॉन्करेंट पैरल चलती हैं और एक तरीके से आप अपने लाइफ में लाइफ ख़राब करके वो रिस्क लेके चलते हो। अगेन पोल्यूशन इसमें एक और एस्पेक्ट है दिल्ली पूरी दुनिया में जिस प्रकार के पोल्यूशन हो रहा है बढ़ता जाता है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसमें तो पोल्यूशन से बचना भी ज़रूरी है अपने खान पीन का ध्यान रखना ज़रूरी है बाहर के एनवायरनमेंट का ध्यान रखना ज़रूरी है अगर यंग हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है अपना एक पर्टिकुलर उम्र के बाद तीस साल के बाद अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना साल नहीं तो दो साल में एक बार हेल्थ चेकअप जरूर करवाओ ठीक है सो so, याद रखिए मोटे नहीं होना है मोटापा है तो उसको ठीक करिए एक्सरसाइज करना भर मोटा मोटापे ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है अगर आप मोटे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं तभी आपका हार्ट का रिस्क कम होता जाएगा याद रखिए एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्सरसाइज आपने डेली करनी है जो आप आज से कर सकते हो किसी भी उम्र में हो किसी भी तरीके की कंडीशन हो हार्ट अटैक हो चुका है तो भी एक्सरसाइज करने में मनाही नहीं होती है फिजिकली एक्सरसाइज कर सकते हो क्षमता कम हो सकती है एक्सरसाइज जरूर करनी है सो यंग पेशेंट विथ हार्ट अटैक आते ही आता है हर डॉक्टर देखता है और उसमें यही यही कहा सारे कारण होते हैं जो आपको समझते हैं सो so अगर आप यंग हैं और आपको लगता है डर तो आप ये सारी चीज़ें अपनाइए अपने लाइफ में सारे ही ड्रग्स स्मोकिंग ड्रिंकिंग छोड़ दीजिए और योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए यंग उम्र में एक्सरसाइज़ है मेडिटेशन भी इंपॉर्टेंट है माइंड को शांत रखने के लिए अगर स्ट्रेस लेते हैं क्योंकि तो स्ट्रेस में अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने में स्ट्रेस ज़्यादा रहता है ब्लड प्रेशर बढ़ता है टेंशन रहता है बिल्कुल नहीं होकर पता नहीं को पीना पड़ेगा आइट क्या हो रही है है <laughs> ना ऐसा हो जाता है सो so, स्ट्रेस को भी मैनेज करिए स्ट्रेस रिमूव करने के लिए ये कोई तरीके नहीं है देर आर बेटर मेथड्स गेट बेटर स्लीप गेट बेटर फैमिली लाइफ ना अपने वाइफ अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना ज़्यादा बेहतर है राइट रादर देन ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग सो दैट्स ऑल वॉट आई विल एडवाइज टू एवरी यंगस्टर इन द वर्ल्ड कि भैया ऐसा है सुधर जाओ आज ही वक्त है फिर अटैक आ जाएगा ना तो फिर ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ जाएगी है दिक्कत हो जाएगी सो डोंट डू दैट टू योर सेल्फ और योर फैमिली राइट और यंग लोग जो हार्ट अटैक से बचते नहीं उनके साथ उनकी फैमिली के साथ क्या गुजरती है ये हमने आंखों के सामने देखा है सो so अपने आप पे अपने फैमिली पे थोड़ी सी कृपा करो और ये सारे बुरी आदतें छोड़ दो अगर यंग हो और उल्टे सीधे काम करते हो So, thank you so much. Uh, do ask your questions if you have any and share this video with every youngster. Alright, good luck.